नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 70 Turbo वर्सेस Samsung Galaxy M15 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 70 Turbo में 6.37 इंच जबकि M15 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 70 Turbo से कम है। विड्थ की बात करें तो 70 Turbo में 2.94 इंच जबकि M15 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 70 Turbo में 0.3 इंच जबकि M15 5G में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 70 Turbo से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 70 Turbo में 185 ग्राम जबकि M15 5G में 217 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 70 Turbo से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 70 Turbo में OLED जबकि M15 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 70 Turbo में 20:9 जबकि M15 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 70 Turbo में 6.67 इंचेस जबकि M15 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 70 Turbo में 1080x2400px FHD+ और M15 5G में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 70 Turbo में 88.92% जबकि M15 5G में 84.17% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 70 Turbo में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M15 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 70 Turbo में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M15 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 70 Turbo में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M15 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 70 Turbo में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और M15 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 70 Turbo में Mali-G 615MC2 जबकि M15 5G में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 70 Turbo में MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी और M15 5G में MediaTek Dimensity 6100 प्लस मिलता है। बात करें रैम की तो 70 Turbo में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 12GB की रैम मिलती है, जबकि M15 5G में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 70 Turbo में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि M15 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी 70 Turbo में 5000mAh जबकि M15 5G में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही
तीन कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 70 टर्बो में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M15 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,682 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M15 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 70 टर्बो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Oppo K12 X 5G है, तीसरा Realme Narzo N65 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Camon 35G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।